डिफेंस एक्सपो 2020 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के माननीय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री श्रीपद यशो नायक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, रक्षा सेनाओं के अध्यक्षगण, मित्र देशों के सभी माननीय रक्षा मंत्रीगण, विभिन्न देशों के यहाँ पर उपस्थित एम्बेसडर्स, उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 के उद्घाटन के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, विभिन्न मित्र देशों से आए हुए रक्षा मंत्रियों का और उन सभी अतिथियों का जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के इस भावना के साथ जोड़ करके आज यहाँ लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। हम सब के लिए डिफेंस एक्सपो 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने इस डिफेंस एक्सपो को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए गौरवशाली इसलिए कि हमारा देश न केवल इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सेना के उस पराक्रम के बारे में पूरे देशवासियों को अवगत कराने का एक अवसर तो देता ही है, रक्षा सेना के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और दुनिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े हब के रूप में अपने देश को स्थापित करने की दिशा से इस प्रकार के आयोजन बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हमारे लिए अपने आप में एक अवसर इसलिए भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2018 में प्रदेश की राजधानी के एक महत्वपूर्ण आयोजन इन्वेस्टर समिट 2018 के इसी फरवरी माह में देश के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी पॉलिसी बना करके लगभग 25,000 एकड़ के लैंड बैंक के साथ उन 6 नोट के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जहां पर एक डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य होना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी
कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश का जो एक बेहतर गंतव्य उत्तर प्रदेश बना है। ये डिफेंस एक्सपो 2020 ने उन संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। खासतौर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान 23 एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहां पर होने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर संभावित होने जा रहा है और इसके माध्यम से 3 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। हमारे पास एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क है, दिल्ली से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश प्रदेश के पूर्वी छोर को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम सामान्य जन के यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में पड़ने वाले हैं, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और हमारा प्रयास होगा कि 2021 के अंत तक हम बुंदेलखंड क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे। प्रदेश के अंदर एक तीसरे एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है और इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के पश्चिमी छोर मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर भी प्रदेश सरकार ने वर्तमान में कार्य करना प्रारंभ किया है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने और यहां पर निवेश की उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के भी भविष्य को तलाशने की दृष्टि से डिफेंस एक्सपो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 11 नए एयरपोर्ट पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के अंदर डिफेंस एक्सपो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को जो भारत को रक्षा उत्पादन के साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन यह डिफेंस एक्सपो करेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की राजधानी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि लखनऊ का आपका प्रवास आनंददायक होगा, सुखदायक होगा। भारत की क्षमता, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।